डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप मैसेज ज़रूर करें। स्पेशली इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता होगा और साइंस में हमारे हिसाब से ये दो ऐसा सेगमेंट है जिसमें परेशानियां होती हैं। साइंस फिर भी समझ में आ जाता है बट इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर आपको बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है तो आप छोड़ दें। जैसे कि उद्योग, हम लोगों ने पिछले दिनों एक टॉपिक लिया था कल, उसमें उद्योग में बहुत डिटेल्स है तो सारी डिटेल्स हमें नहीं पढ़ना है। हमें कहाँ स्थापित हुआ, पहला कौन सी नीति थी उससे संबंधित, औद्योगिक नीति पहली बार कब आई, सीमेंट है, जूट है, रबर है, चाय पत्ती है, ये सब पहली बार कहाँ कहाँ स्थापित हुए, ज़्यादातर प्रश्न इससे ही आते हैं। और पॉलिसीज़ इसको लेकर, इंडस्ट्रीज़ को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साइंस में आपको जो गाइड बुक्स दिए गए हैं उसमें शॉर्ट में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो अगर डेप्थ में जाएंगे तो परेशानियां आए। जितना दिया हुआ बुक्स में उसे आप समझकर पढ़ सकते हैं, फिर भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप मैसेज ज़रूर करें। आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें पांच ही टॉपिक्स फिर से हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ये रिलीविंग टच जो है ये ज़रूरी है, लगातार ओवरडोज नहीं होना है। तो आज फिर से हम आपको पाँच टॉपिक्स दे रहे हैं और अगेन हम कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कतें बहुत हैं, टाइम एकदम नहीं मिलता, तो कम से कम ये पांच टॉपिक्स आप डेफिनेटली करें, इसके मैनेज कर लें। ये टॉपिक्स आज हमने पांच ही दिया है तो आज थोड़ा सा आपके लिए रिलीव्ड आप फील करेंगे। ये टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर्स। हिस्ट्री में हम लोगों ने कल किया था मराठा साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, विशेषकर शिवाजी स्पेसिफिक हम लोगों ने टॉपिक किया था। अब शिवाजी के उत्तराधिकारियों को आपको करना है। कल ही हमने कह दिया था कि मराठा साम्राज्य दो पार्ट में हम लोग करेंगे, आज हमने उत्तराधिकारी जो शिवाजी के हैं, 1680 में शिवाजी का अंत है, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी आते हैं, तो शंभाजी, उसके बाद राजा राम, फिर ताराबाई, ये तीन कुछ बड़े ऐसे शासक हैं जिनका बहुत सारा संदर्भ निकल कर आएगा। लेकिन शाहू का जब शासन आएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उनके प्रधानमंत्री शक्तिशाली होने लगे, तो शाहू के शासनकाल में पेशवाओं का जो प्रभाव बढ़ा उसे समझना है। तो बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव 1717 से लेकर 1761 तक तीन बड़े पेशवा हुए, इन्हें भी हमें समझना है। और तीन एंग्लो मराठा वार हुए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के उत्तराधिकारियों में तीन एंग्लो मराठा वार हुए, आंग्ल मराठा युद्ध, और उसमें कुछ संधियाँ बहुत अच्छी हुई, बड़ी संधियाँ हुई जो एग्जाम में आता है, जैसे सलबाई की संधि, बेसीन की संधि, फिर 1818 में मराठों का पूरी तरह से दमन अंग्रेजों ने किया, तो ये सब यहाँ पर आपको इस टॉपिक में समझना चाहिए। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट लिया था कल, अब ये पांच भाग में बटा हुआ है। ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट किया और जल परिवहन NH और NW हम लोगों ने कल के टॉपिक में लिया था। आज आप बंदरगाह करेंगे, वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट करेंगे और रेल करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट में तीन टॉपिक्स रह गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेल भी आप कर लें इसलिए कि रेल से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, और बंदरगाह पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ कहाँ पर, खासकर जो पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, इन घाटों पर जो बहुत सारे, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चाहे गुजरात हो, कांडला हो, ये सब, या पारादीप ओडिशा को हो, मुंबई हो, नाहवा शेवा हो, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, इनके बारे में आप समझें। उसके बाद एयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन रेल इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करें। लेकिन जो हम लोगों ने NH किया था कल, उसमें दो पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने चर्चा नहीं किया था, इसे आप फिर से कर लें, और ये है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम के चारों जो कॉर्नर्स हैं उन्हें जोड़ने की परियोजना है, जिन्हें हम लोग नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा किसे संबंधित है, तो देश के चार कोनों को राजमार्गों से जोड़ने से संबंधित, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो 63वीं में आया भी था, और यह आया था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, देश के चार महानगरों को जोड़ने की परियोजना राजमार्गों से, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, सड़क राजमार्ग। तो ये कौन कौन से हैं, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये चार महानगर, इन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा यानी देश के चार कोनों को जोड़ने का
परियोजना। तो ये आप समझ लें परिवहन में जो हम लोग कर रहे थे उसका आधा पार्ट आपको करना है। दो टॉपिक साइंस के हैं तो साइंस के दोनों टॉपिक्स करना है। कल ही हमने कह दिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में हम लोग सस्टेन करेंगे, एक दिन और लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर रहे पढ़ें, पढ़ लिया तो रिवाइज करें। और लूसेंट में हमने देखा कि कहीं कुछ ज़्यादा दिया है तो इसे आप डिटेल्स में पढ़ें। यहाँ पर हुंड्स रूल, ऑब्बो प्रिंसिपल ये सब भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी और डिटेल्स लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से संबंधित भी तथ्यों को और अच्छे से आप समझें, एटम्स को भी आप समझें, कौन सा एलिमेंट है टोटल सारे एलिमेंट्स में तत्वों में एक जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, कौन सा एलिमेंट है। 118 से ज़्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है, एकमात्र तत्व एलिमेंट जिसके केंद्र में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, बहुत सारे लोग जानते होंगे हाइड्रोजन। तो समझकर हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, आज नया टॉपिक आएगा, कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन लिया था एनिमल्स का, आज उसके बाद अगर आप देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हमें पढ़ना है। इसमें सिर्फ आप बैक्टीरिया और वायरस समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, बैक्टीरिया और वायरस। वायरस की खोज कैसे हुई, तंबाकू के पत्ते पर किस तरह से खोजते हुए इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। वायरस जीवित और मृत के बीच की कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक है, ऐसा क्यों है तो इसे आप समझें। उसका बैक्टीरिया समझें, बैक्टीरिया में गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग गुड बैक्टीरिया है, तो गुड और बैड बैक्टीरिया को समझें, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, ये बायोलॉजी में पढ़ना है। और उसके बाद एक टॉपिक करंट अफेयर्स हम रेगुलर कहते हैं, इस बार करंट अफेयर्स पर हमारा विशेष फोकस है कि इसे हमें अच्छे से करना चाहिए। हम लोग जनवरी से फिर से स्टार्ट ले रहे हैं, कल हम लोगों ने मार्च मंथ का करंट अफेयर्स पीटी से राष्ट्रीय किया था, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। लेकिन इसमें भी हम आपको बांट देते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सब नहीं पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में जो 6 ऑर्गन्स हैं महत्वपूर्ण इसके अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, महासभा सुरक्षा परिषद। उसके सुरक्षा परिषद में जो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्प्ररी अस्थाई इसकी सदस्य संख्या होती है, 15 में 5 अस्थाई जो वीटो कर सकते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। अस्थाई हर साल चुने जाते हैं 5, इस साल 5 अस्थाई मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुने गए हैं। इन पांचों को आपको ध्यान में रखना है, रट लेना है, ये एग्जाम में डेफिनेटली बीपीएससी में इस बार आप मानकर चलें ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले सालों में इस तरह के प्रश्न आते रहे। तो कौन 5 से अस्थाई मेंबर्स हैं वो इस बार सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखेगा जो हम विदेशी मेहमान होते हैं गणतंत्र दिवस पर, उसका एक लिस्ट दिया हुआ है, तो ये आप समझें इस बार कौन थे, सबसे पहले कौन आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देखें। ये 5 टॉपिक्स आज हैं मात्र, हालांकि ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप करें। थोड़ा सा रिलीविंग फैक्टर है कि आज 5 टॉपिक्स नहीं है, यानी आज एनसीईआरटी नहीं है, बिहार नहीं है, पॉलिटी का टॉपिक नहीं है और इकोनॉमी का टॉपिक नहीं है, आपको 5 टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, तो थोड़ा सा राहत है। लेकिन बाकी जो 5 टॉपिक्स आज दिए जा रहे हैं उसे आप अच्छे से करें, और आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि एसआई का दरोगा का वैकेंसी आ गया उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाएगा और आपको ज़्यादा इग्नोर किया जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, हम साथ साथ लेकर चलेंगे। बीपीएससी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमारा फोकस रहेगा, आप इत्मीनान रहें, हम लोग एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, होपफुली। टेक केयर।